विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। बीजेपी सरकार गठन के बाद में पहला विधानसभा सत्र बुलाया गया और आज दूसरा दिन है। 191 विधायकों ने कल बुधवार को शपथ ले ली थी। बचे हुए 8 विधायक हैं जो शायद आज शपथ ले सकते हैं, ये भी कोई फिक्स नहीं है, ये बाद में भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन विधायक हैं जो लगातार यहाँ पे आते जाते आ रहे हैं। मेरे साथ अलवर कठुमर से विधायक रमेश खींची हैं, जो बीजेपी से जीते हुए प्रत्याशी हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और लगातार शपथ को लेकर आपको बताइए सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका और ख़ासतौर से हमारे क्षेत्र की जनता का जिन्होंने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। सर, लगातार जो राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की बात की जा रही है और शपथ को भी, शपथ में भी राजस्थानी भाषा का कहीं ना कहीं रोड अटका था, कल भी अटका था, क्या कहेंगे उसको? देखो, आपको बताया कि जब 8वीं अनुसूची का जैसा सुना जाता है, सुना गया है, ये विधानसभा का मामला तो है नहीं, लोकसभा में मतलब इसका अनुमोदन होना है और 8वीं अनुसूची में जब इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कैसे यहाँ मान्यता देते। कल दो विधायक जो थे, यूनुस खान और जुबैर खान, उन्होंने संस्कृत में शपथ ली है, सबको चौंकाया है, क्या कहेंगे इसमें? निश्चित रूप से उनको अकल आई है, अब देश के प्रति उनकी जो भावना जगी है, अच्छी बात है, देश के प्रति वो अपनी अच्छी भावना रखते हैं, राष्ट्रहित में अपनी बात को रखते हैं और जो मूलतः हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से उनका जो पता है कि भाई उनका हिंदुत्व के रूप में मतलब आज हमारी भारतीय जनता पार्टी आई है, निश्चित रूप से हम सारे धर्मों को मानते हैं। न्यू तो बाकी जो जिस तरह से आज उन्होंने अपने आप में संस्कृत में जो लिए तो निश्चित रूप से देश में एक अच्छा संदेश गया कि भाई ये लोग भी अपने आप में राष्ट्र के प्रति भावना रखते हैं। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया गया है। विपक्ष जो कांग्रेस है वो लगातार दावे कर रहा है कि डमी सरकार है। कैसे डमी मान सकते हैं? सरकार 115 का बहुमत है, पूरे प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया है उनकी सरकार का, जो 70 पे अटक के रह गए तो आप कैसे डमी सरकार मान सकते हैं? भजनलाल शर्मा सीएम कैंडिडेट हैं, उनको डमी बताया। नहीं, डमी क्या होता है, जनता ने उनको चुना है, हमारे पार्टी के सब विधायकों ने उनको चुना है, विधायक दल का नेता, तो डमी कैसे हो सकता है? 115 लोगों ने चुना और साथ में निर्दलीय विधायकों ने समर्थन किया। क्या विशेष मुद्दे हैं आपकी क्षेत्र की जनता की बात कर लें राजस्थान के विकास को लेकर, जो बीजेपी सरकार हमेशा फोकस में रही है? पिछले दिनों गुरुपुर सरकार में पेपर लीक मुद्दा मना था, हावी रहा था, इस बार क्या स्पेशल होगा? देखो, हमारा क्षेत्र का मुद्दा तो हमारी विधानसभा का खासतौर से पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी से निश्चित रूप से हम उसके लिए निवेदन करेंगे और जो चंबल का पानी हम लाने का एक संकल्प लिया हुआ, उस पानी को ERCP के जो योजना है राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से घोषणा पत्र में उसको लागू कर दिया, घोषणा पत्र में उसकी बातें रखी है, तो निश्चित रूप से घोषणा पत्र के आधार पर सरकार काम करेगी और उस काम को लागू करेगी। राजस्थान प्रदेश की बात करें, क्या विकास महत्वपूर्ण है जो होने चाहिए जो पूर्ववर्ती सरकार में नहीं हुए? ये तो सामने सामने आएंगे, जो हमारे घोषणा पत्र के माध्यम से जो जो जनहित के काम हैं, खासतौर से जो योजनाओं के माध्यम से जितना काम हो सकता है वो योजनाओं का निश्चित रूप से बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे और उसी के आधार पर हम काम करेंगे। संतों की एंट्री भी राजनीति में हैवी रही है, अभी भी 3-4 संत जो हैं MLA बन के आए हैं, लगता नहीं कि नेता और संतों के बीच में टोक टोक हो सकती है? नहीं, हॉट टॉक किस बात की, संत भी हमारे मानवीय जाति के लोग हैं, वो भी एक अच्छे संत हैं, संतों का एक अपना काम है भजन ध्यान करना, प्रदेश की जनता की देश की जनता के लिए भले के लिए सोचना, संतों का एक अच्छे संत होते हैं, संत निश्चित रूप से काम करते हैं। पहला दिन सत्र का कल था बुधवार को, उसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा कहा गया कि भजन मंडली है ये, और वो कौन सी मंडली थी? भजन मंडली कैसे होती है? भजनलाल जी मुख्यमंत्री है तो उनकी मंडली तो है ही, सारे लोग साथी हैं उनके, तो भजन मंडली क्या होती है? अच्छा, भजन तो नाम कटाक्ष किया गया, कहीं पॉइंट मारा गया, ताना मारा गया, ये कोई ताने वाली बात होती नहीं, और उनका जितना सोच है उतनी बात करेंगे, उनकी मंडलियों की सोच थी। एक विशेष सवाल आपसे ये था कि पिछले कई दिनों से एक माहौल चर्चा में है कि नागौर में जो एक जस्टिस थी SCGM प्रथम अलीजा गुप्ता, उसको सस्पेंड कर दिया गया, न्यायपालिका पर उसने सवाल उठाए हैं और न्यायाधीश होते हुए वह लगातार चक्कर लगा रही है न्याय के लिए। देखो, मैं इस मामले में बात नहीं, मेरे जो जानकारी नहीं है उसके बारे में मुझे कमेंट्स करना ठीक नहीं लगता। ये थे हमारे साथ रमेश खींची, जो कठुमर, अलवर कठुमर से विधायक हैं, बीजेपी के लगातार जो है वो जीत के आए हैं और हमेशा विकास के दावों को लेकर ये चर्चा में रहे हैं, विकास के कार्यों को लेकर चर्चा में रहे हैं। आज भी विधानसभा में ये शपथ लेने पहुंचे हैं और इनका कहना है साफ साफ कि पेयजल समस्या जो मुख्य समस्या है वो कहीं ना कहीं हैवी होने वाली है और उसको लेकर फोकस किया जाएगा। सड़कों की बात करें, शिक्षा की बात कर लें, महिला सुरक्षा की बात कर लें, तो तमाम जो समस्याएं हैं राजस्थान में, जो विशेषकर बात करें राजस्थान में जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसके कार्यकाल के दौरान विपक्ष में बीजेपी बैठी थी, वो लगातार मुद्दे बना रही थी, पेपर लीक की बात कर लें, तो उन समस्याओं पर फोकस किया जाएगा। डमी सरकार के बारे में उन्होंने साफ मना कर दिया, डमी सरकार नहीं है,
बजरंग शर्मा एक विकसित और तेज दिमाग के सीएम बने हैं, जो सभी विधायक दल के जो नेता हैं उनको सभी विधायकों ने चुना है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ नगरी मीडिया, संदीप अग्रवाल, जयपुर।